Hi everyone, welcome to important floral terminologies. क्या देख रहे हैं हम? तो हमने बोला हर जगह कुछ भी, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट कुछ भी ओपन कर लो, हर जगह हमको क्या दिख रहा है? एक ही चीज जो हर जगह स्प्रेड हो रही है, ट्रेंड कर रही है, एंड दैट इज वोट. वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम वेदांतु लेके आया है आपके लिए पहली बार. बस एक दिन बाकी है, कल की देर है. टुमोरो 28 मार्च 3 PM ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम. और वेदांतु नीट मीड इजी के साथ प्लीज रजिस्टर कर लो वोट के लिए, बिकॉज पहली चीज फ्री एग्जाम है, सेकेंड चीज ऑल इंडिया लेवल पे है, थर्ड इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा, फोर्थ स्कॉलरशिप मिलेगा, फिफ्थ डेली चैलेंजेस होंगे जो आप जीत सकते हो, और लास्ट आपको मौका मिलेगा मेरा बॉस बनने का, एंड दैट इज वेदांतु सीईओ. उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो विन अ ट्रिप टू नासा. इतना ही नहीं तो ये देखो, ये है हमारे डेली प्राइजेस जो आप डेली चैलेंजेस में जीत सकते हो. यू कैन ऑल्सो विन वेदांतु कॉइन्स, दैट इज वी कॉइन्स. नेक्स्ट, हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एंड स्टार्ट हो भी चुका है. नेक्स्ट बैच 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना, जहां पे 10,000 के बदले 8,000 विल बी अ फीस इफ यू अप्लाई द कूपन कोड BMCC. नेक्स्ट, लेट अस कम टू द फ्लोरल टर्मिनोलॉजीज. और हमने क्या देखा? एक हमारे पास था फ्लावर. फ्लोरल टर्मिनोलॉजी से भाई फ्लावर तो आना चाहिए. फ्लावर में हमको क्या दिखेगा? तो हमने बोला दो टाइप के वर्ल, एक वो जो एक्सेसरी है दिखावे के लिए होंगे, और दूसरा वो जो जरूरी है, एसेंशियल वर्ल. एक्सेसरी वर्ल में हमारे पास आएंगे कैलिक्स एंड करोला, जो हमारे लिए अभी फिलहाल काम के लिए नहीं है. एसेंशियल वर्ल में जो हमारे पास आएंगे, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सो इफ यू सी ऑन स्क्रीन आपको क्या दिख रहा है? एसेंशियल वर्ल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. शुरू करते हैं सबसे पहले एंड्रोशियम के साथ. अगर एंड्रोशियम में स्टेमेंस एक दूसरे से बाइंड होता है, आई रिपीट, अगर एक स्टेमेन दूसरे स्टेमेन से, या एक एंथर दूसरे एंथर से, अगर ऐसा कुछ दिखता है, सिमिलर पार्ट्स आर बाइंडिंग टू ईच अदर, देन यू कॉल इट एज कोहेशन. कोहेशन हमेशा सेम के बीच में होगा. अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और सिमिलर ऑर्गन पार्ट्स. नेक्स्ट, अगर डिसिमिलर चीजों के बीच में बाइंडिंग है, देन यू कॉल इट एज अडेशन. जैसे हमको यहां दिखेगा डिसिमिलर के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, कोहेशन में आता है सिनैंड्रस. सिनैंड्रस मतलब जितने भी स्टेमेंस है वो सारे के सारे स्टेमेंस फ्यूज्ड है. या फिर अडल्फी. अडल्फी मतलब हमने बोला स्टेमेंस में से जितने भी फिलामेंट्स है वो फिलामेंट्स क्या थे? Fused. लेकिन अडल्फी मतलब एंथर फ्री, तो एंथर क्या रहेगा? फ्री. तो जुड़े हुए होंगे फिलामेंट्स और एंथर होंगे फ्री फ्री फ्री. दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज अडल्फी. नेक्स्ट, सिन जेनी. सिन मतलब फ्यूजन, जेनी मतलब जनरेटिव पार्ट. तो इस बार फिलामेंट आजाद थे, फिलामेंट्स आर फ्री, लेकिन जनरेटिव पार्ट मतलब एंथर, एंथर क्या था? तो हमने बोला एंथर था फ्यूज्ड. नेक्स्ट, एपीपेटालस. एपी का मतलब अबाव, एपी का मतलब अबाव. सो एपीपेटालस का मतलब, तो हमने बोला एपीपेटालस मतलब एंड्रोशियम इज प्रेजेंट अबाव द पेटल. सो जब एंथर या स्टेमेन या एंड्रोशियम पेटल के ऊपर था, ऐसे ये पेटल है, ये एंड्रोशियम है, और ये ऐसे अटैच्ड है, देन यू कॉल इट एज एपीपेटालस. पेटल के बदले अगर वो टेपल पे अटैच था या पेरियंथ पे अटैच था, अबाव पेरियंथ अबाव टेपल, देन यू कॉल इट एज एपीफाइलस. देखो, ऊपर एंथर एंथर फ्यूज थे, या फिर फिलामेंट फिलामेंट फ्यूज थे, या स्टेमेन स्टेमेन फ्यूज थे, सिमिलर सिमिलर मॉलिक्यूल्स फ्यूज्ड, कोहेशन. यहां पे एंड्रोशियम और पेटल जुड़ा है, एपीपेटालस अडहेशन. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, है ना. एपीफाइलस, एंड्रोशियम इज प्रेजेंट अबाउ द टेपल, एपीफाइलस. That's all about androsium, and we move to gynosium. जब मेल पढ़ा तो फीमेल क्यों नहीं? तो gynosium में क्या दिखा? हमने बोला अगर पूरे फ्लावर में एक ही कार्पेल, मोनोकार्पेलरी कंडीशन, बहुत सारे कार्पेल है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन.
बहुत सारे कार्पेल है लेकिन सारे सारे फ्री, एक दूसरे से आजाद. सो व्हेन यू सी ऑल द कार्पेल्स व्हिच आर फ्री, देन यू कॉल इट एज अपोकार्पस, बिकॉज अपो मतलब विदाउट, कार्पस मतलब कार्पेल, विदाउट टचिंग ईच अदर, विदाउट फ्यूजिंग विथ ईच अदर, कार्पेल्स आर प्रेजेंट, अपोकार्पस. ये जनरली हमको दिखता है इन केस ऑफ लोटस, इन केस ऑफ रोज. सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब जितने भी कार्पेल्स है वो सारे क्या थे, फ्यूज्ड. तो जब आपको फ्यूज्ड कार्पेल्स दिखेंगे तो हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस. ये हमको कॉमन से कॉमन दिखेगा इन केस ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस चाइना रोज, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जासवंद. ये होते हैं हमारे हिबिस्कस जो सिनकार्पस दिखाएगा. And that is all with respect to floral terminologies for today. If you like it, please subscribe to Vedantu Neet Made Easy and stay tuned for more such informative videos. Till then, bye.